किन कारणों से किया गया? बेगूसराय के जीडी कॉलेज और रतनपुर में कल जो है नागरिक अभिनंदन का कार्यक्रम था, जिसमें बिहार के भवन निर्माण मंत्री सह शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी जी आए हुए थे। अशोक चौधरी जी ने वहाँ अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए बिहार के सरकारी स्कूलों के खिलाफ और बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों के खिलाफ बहुत ही अपमानजनक टीका टिप्पणी की। उन्होंने अपने संबोधन में यह कहा कि बिहार की सरकारी स्कूली शिक्षा नियोजित शिक्षकों की वजह से रसातल में जा रही है। उसी के खिलाफ में यहाँ पर बेगूसराय के शिक्षक समुदाय में काफ़ी आक्रोश है और टीटी एसटीटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ बेगूसराय की तरफ से आज यहाँ पर शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी का पुतला फूंका जा रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए हम बिहार के शिक्षा मंत्री से यह सवाल पूछना चाहते हैं कि वो कहते हैं कि बिहार की सरकारी स्कूली शिक्षा नियोजित शिक्षकों की वजह से रसातल में जा रही है। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों में नियुक्ति के बजाय नियोजन की नीति लाने वाले लोग कौन हैं। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के बजाय, शिक्षा की स्थिति को बेहतर बनाने के बजाय सरकारी स्कूलों को लोक लुभावन योजनाओं का अड्डा बनाने का जिम्मेवार कौन है। वोट जुटाऊ सरकार के लिए वोट जुटाऊ एजेंसी के रूप में सरकारी स्कूलों को तब्दील करने की साजिश का जिम्मेवार कौन है। हम बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी जी से पूछना चाहते हैं कि बिहार के भीतर में सरकारी स्कूली व्यवस्था में जो इन दिनों एक बेहतरी की स्थिति बनी है, उस बेहतरी की केंद्रीय भूमिका में बिहार के टीटी सीटीटी एसटीटी पास शिक्षक हैं, लेकिन बिहार की सरकार टीटी पास शिक्षकों के साथ भी उसी तरह का शर्मनाक रवैया अपनाए हुए है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने न्यायिक सुझाव में कहा कि बिहार के भीतर में जो टीटी पास शिक्षक हैं उनको बेटर पे स्केल दिया जाना चाहिए, लेकिन सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायिक सुझाव को भी दरकिनार करने की साजिश कर रही है। इसके बजाय पूरे बिहार में घूम घूम करके बिहार के शिक्षा मंत्री सरकारी स्कूल के खिलाफ और सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, अनर्गल विस्फोमन करने का काम कर रहे हैं। हम उन्हें बता देना चाहते हैं बिहार के जो टीटी शिक्षक हैं अपने सहायक शिक्षक के हक के लिए अंतिम दम तक लड़ेंगे और सरकारी स्कूलों को बदनाम करने की जो शिक्षा मंत्री जी की साजिश है या उनके सरकार की साजिश है, उस साजिश को हम लोग चकनाचूर करेंगे। सरकारी स्कूलों को बदनाम करके सरकारी स्कूलों को निजीकरण की दिशा में धकेलने की जो षड्यंत्र चल रही है, उस षड्यंत्र चूर को चकनाचूर करने का काम करेंगे। हम लोगों ने आज यहां प्रोटेस्ट किया है और सरकारी स्कूलों की बेहतरी के लिए, सरकारी स्कूलों में कार्यरत टीटी शिक्षकों के सम्मान के लिए हमारी लड़ाई पूरी मजबूती के साथ जारी रहेगी। राहुल विकास, प्रदेश मीडिया प्रभारी, TSUNSS, गोपुर, बिहार।